बड़ी बी के बीमार हो जाने पर उनकी छोटी बहन सलमा तानसेन के घर में आकर रहने लगती है। मां की ममता को तरसता बिलास सलमा में अपनी मां का अक्स देखता है। जमाल खान महल में बागवां है और आदतन लगाई बुझाई के काम में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। जमाल खान का मकसद बिलास को अपने शिकंजे में जकड़ने का है। वो अच्छी तरह जानता है कि तानसेन पत्नी वियोग की वजह से बिलास पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मौका परस्त जमाल खान के पास मौका भी है और माहौल भी बिलास को पूरी तरह गुमराह करने का। काशी जाइए ना मथुरा जाइए, मन में है आपके प्रभु की मूरत जान जाइए। काशी जाइए ना मथुरा जाइए, मन में है आपके प्रभु की मूरत जान जाइए। काशी जाइए ना मथुरा जाइए। कितना अच्छा गाता है और हमें गीत बहुत पसंद आता है। बेटा देसी गीत है, अच्छा तो लगेगा ही, लेकिन जहाँ तक सवाल गायकी का है, आपके अब्बू से अच्छा भला और कौन गा सकता है। जमाल खान चाचा, हमें शादी का ले चलो ना। हाँ चलिए जरूर चलिए। पुष्प में जैसे गंध बसी है, दर्पण में जो छाया, जल बिंदु में छुपा है मोती, तार में सुर है समाया। ऐसे ही हर हृदय बसे हो, ऐसे ही हर हृदय बसे, पहचान जाइए जान जाइए। काशी जाइए ना मथुरा जाइए, मन में है आपके प्रभु की मूरत जान जाइए। काशी जाइए ना मथुरा जाइए। अरे वाह, कितना अच्छा गाते हैं आप। आपको अच्छा लगा? आपको हमारा गाना सचमुच अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा, तभी तो हम आपका ये गाना रोज सुनते हैं। रोज सुनते हैं? आप हमारा ये गाना रोज कैसे सुनते हैं? जब आप जमुना नदी किनारे किसी को उस पर छोड़ने जाते हैं, तभी ये गाना तो गाते हैं। अरे वाह, फिर तो आप हमारा ये गाना जरूर सुनते होंगे। हाँ हमने तो ये गाना सीख भी लिया। अच्छा, आपने मेरा गाना सुन सुनकर ये गाना सीख भी लिया? हाँ। जरा हम सबको भी तो सुनाइए कि आपने क्या सीखा है, सुनाइए। काशी जाइए ना मथुरा जाइए, मन में है आपके प्रभु की मूरत जान जाइए। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार हैं। इसमें होशियारी की क्या बात है, सीधा सीधा तो गीत है। न कुमुद सर का डर, न त्योर सर की फिकर। हे भगवान,
इतनी सी उम्र में कोमल और तीव्र स्वरों की बात है, और आपकी तो सुर और ताल में भी पकड़ अच्छी है। आमा मियाँ, पकड़ अच्छी क्यों नहीं होगी? सुर और ताल छोटे मियाँ को विरासत में मिले हैं। ताल वालिदा के खून से मिली है और सुर वालिद के खून से मिला है। फिर तो बहुत ही भाग्यशाली बालक हो। क्या नाम है आपका? बिलास खान। बिलास खान, तानसेन जी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आज पैदा होने वाले मियां तानसेन के फर्जंद का नाम हम बिलास खान रखते हैं। क्या आप मियां तानसेन जी के सुपुत्र हैं? बिलाशक, छोटे साहबजादे मियां जी के ही फर्जंद हैं। झुक झुक जियो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। आप हम इस तरह के गीत रोज सुनाएंगे ना? बेटा, आपके तो अपने ही घर में संगीत का सागर है, फिर इस संगीत के छोटे से कुएं से आपकी प्यास कैसे बुझेगी? अमा तो हर पानी का अपना अपना स्वाद होता है भाई। सागर का पानी जरा खारा होता है और कुएं का पानी जरा मीठा होता है। हाँ, अलबत्ता ये बात और है कि अगर आप बच्चे की प्यास ही बुझाना नहीं चाहते तो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं बेटा। आपका जब जी चाहे आप यहाँ आ जाया करिए। हमसे जैसा भी बन पड़ेगा हम आपको गीत सुना दिया करेंगे। ऐसा गीत सुनाओगे तो हम रोज आ जा करेंगे। तो हम भी रोज सुना दिया करेंगे। ऐसा गीत सुनाओगे तो हम रोज आ जा करेंगे। तो हम भी रोज सुना दिया करेंगे। भैया 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 भैया। अरे गौरी, तुम? जी हाँ, मैं कब से पुकार रही हूँ, कहाँ खो गए थे आप? कहीं नहीं गौरी, न जाने क्यों अचानक आज उन्हीं बैजू बावरा जी की याद आ गई, जिन्होंने भरे दरबार में संगीत सम्राट मियाँ तानसेन को हराकर मेरी जान बचाई थी। मैंने तो आपसे कहा था भैया कि बैजू जी को यहीं अपनी बस्ती में सदा सदा के लिए रहने के लिए आग्रह कीजिए। मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन खैर, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो एक बार लौट के जरूर आएंगे। तो तब तक आप खाना तो खाएंगे ना, या तब तक भूखे ही रहने का इरादा है? नहीं नहीं, खाना तो खाऊंगा। लाओ बैठ। खाइए। एक बात पूछूं भैया? पूछो ना। भैया, आप तानसेन के कारण दरबार में हुए उस अपमान को, उस हादसे को एक बुरा स्वप्न मात्र समझकर भूल क्यों नहीं जाते? कैसे भूल जाऊं गौरी, कैसे? क्या मैं ये भूल जाऊं कि तानसेन के कारण मुझे गिरफ्तार किया गया था? क्या मैं ये भूल जाऊं कि तानसेन के कारण मुझे बंदी बनाकर शाही दरबार में पेश किया गया था? क्या मैं ये भूल जाऊं कि अगर बैजू बाबरा मेरी सहायता ना करते तो बादशाह का फरमान मुझे सजाए मौत दे सकता था? आखिर मेरा दोष क्या था? केवल इतना कि मैं अपनी मन की शांति के लिए गा रहा था। परंतु भैया, आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपके कारण बादशाह सलामत ने तानसेन के रियाज में खलल डालने वाले को सजा देने का कानून ही बदल दिया। हाँ, लेकिन मेरे कारण जो कानून बदला गया था, वही कानून एक दिन मेरे सामने मौत बनकर भी खड़ा हो गया था। और इस बात को मैं भूल नहीं सकता गौरी, कभी नहीं। और इसी बात का मुझे मियाँ तानसेन से कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रतिशोध भी लेना है। अच्छा अच्छा, अवसर आएगा तो प्रतिशोध भी ले लीजिएगा, मगर आप पहले खाना तो खा लीजिए। वैसे गौरी, आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान हमेशा सत्य का ही पक्ष लेता है, उसकी लीला का कोई अंत नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज एक बालक को मेरा गीत बहुत पसंद आया। तो इसमें भगवान की लीला कैसे आ गई? वो लीला ऐसे आ गई कि जिस बालक को मेरा गाना पसंद आया, वो बालक स्वयं संगीत सम्राट तानसेन का बेटा है। संगीत सम्राट तानसेन का बेटा? हाँ गौरी, हाँ, संगीत सम्राट तानसेन का बेटा। और उस बच्चे ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे मेरा गीत सुनने रोज आया करेगा। तो हो सकता है कि मियाँ तानसेन से मेरा प्रतिशोध लेने के निर्णय में
ये बालक कहीं ना कहीं मेरा सहायक बन जाए। अरे गौरी, गौरी कहाँ चली? आपकी बातें सुनकर मुझे आपके सामने से चले ही जाना चाहिए, क्योंकि आप मेरे पिता समान बड़े भाई हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल पड़े जो आपके लिए अपमानजनक हों। क्यों, ऐसा मैंने क्या कह दिया कि जिसके कारण तुम्हारे मन में मेरे प्रति अनादर की भावना आ गई? भैया अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पिता समान बड़े भैया अपने प्रतिशोध जैसी घृणित सीमा तक पहुंचने के लिए एक छोटे मासूम बालक के पैरों का सहारा लेंगे। भैया कम से कम बचपन को तो इन बातों से अछूता रहने दीजिए, क्योंकि बच्चे में तो भगवान बसते हैं, तो फिर वो बच्चा मित्र को हो या शत्रु का, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक कहती हो गौरी, तुम ठीक कहती हो, आज तुमने अपने बड़े भाई की आंखें खोल दी। ठीक है गौरी, मैं मियां तानसेन से अपने प्रतिशोध के संकल्प को बरकरार रखते हुए ये वादा करता हूँ कि बिलास खान से मेरा नाता केवल और केवल गीत सुनाने तक ही सीमित रहेगा। पत्थर जब पाए घर्षण तो आलोकित होता प्रकाश, इधर आओ। आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? इधर आइए। ये बिना किसी राग के, बिना सरगम के, ये अनाप शनाप धुन तुमने कहां से सीखी? बोलो बोलो विलास। स्वरों की मूल साधना से पूर्व ही तुम्हें इस तरह का गाना किसने सिखाया? बोलो बोलो, किसने सिखाया है? जवाब दो, जवाब दो। माँ, बस मियाँ जी बस। आखिर इस बिन माँ के बच्चे के लिए यही एक इनायत बाकी रह गई थी, सो आपने वो कसर भी पूरी कर दी। मैं आपसे पूछती हूँ मियाँ जी,
कि आखिर इतना बड़ा कौन सा गुनाह किया है इस मासूम ने? बिलास हर रोज किसके साथ घूमने जाता है सलमा? जमाल खान के साथ जाता है। तुम फौरन जमाल को हमारे सामने पेश करो, फौरन। जी अच्छा, चल बेटा। बिलास को यहीं रहने दो, तुम जमाल को बुला कर लाओ। अब्बू जब संगीत साधना के लिए कहते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता मियां बिलास खान, और बाहर से कुछ भी अनाप शनाप सीख कर गले को पकने से पहले ही बेसुरा करना चाहते हो? जानते हो इस तरह के गायन का स्वर पर कितना बुरा असर पड़ता है? जानते हो? मियां जी आदाब। आप अंदर जाइए, आप अंदर जाइए। मियां जी, हमने सुना है कि आपने हमें याद फरमाया है। जमाल खान, हमने सुना है कि बिलास खान हर रोज यमुना नदी के किनारे तुम्हारे साथ जाते हैं। जी। तो क्या वो वहां किसी से गाना भी सीखते हैं? जी, सीखने वाली बात तो यूं है कि अक्सर वहां एक आदमी गुनगुनाया करता है, उसकी कुछ धुनें छोटे मियां जी को अच्छी लगी और वो अक्सर वहां जाने लगे। अब किसी चीज का अच्छा या बुरा लगना तो एक कुदरती बात है ना मियां जी। तो आज तक तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई जमाल खान? मियां जी, शिकायत तो बुराई की जाती है, और अगर बिलास खान कोई बुरी बात करते तो, और जहां तक हम समझते हैं, गाना सीखना कोई बुरी बात नहीं। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें ये सिखाने की कोशिश मत करो जमाल खान। मियां जी, हमने तो ये सोचा था कि अगर छोटे मियां के मन में मौसीकी का शौक पैदा हो जाएगा तो आप हमें शायद इनामों इकराम से माला माल करेंगे, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के नसीब बुरे हों तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। हमारे साथ भी वही हुआ है मियां जी। तुम्हारा भी दोष नहीं है जमाल खान, जिस तरह हम ये नहीं जानते कि किस पौधे को कितने खाद और पानी दिया जाना चाहिए, उसी तरह तुम्हें क्या पता कि संगीत को साधने के लिए आरंभ कहां से होना चाहिए। खैर, कौन है वो जिससे बिलास ने सब सीखा है? जी, वो यमुना किनारे जो केवटों की बस्ती है उसी में एक केवट है जिसका गीत सुनने छोटे मियां अक्सर जाया करते हैं। क्या नाम है उस केवट का? जी, उसका नाम शमशेर सिंह है। शमशेर सिंह केवट? ये कौन गुस्ताख है जिसने हमारी संगीत साधना में विघ्न डालने की हिमाकत की है? भगवान को मद्देनजर रखते हुए उद्दालय नाखुदा शमशेर सिंह ने जानबूझकर संगीत सम्राट तानसेन के रियाज में खलल पैदा किया, लिहाजा बुद्धदेव की गुजारिश है ईशाई फरमान की नाफरमानी करने के जुर्म में बुद्धदेव शमशेर सिंह को सजा दी जाए। ओ, समझा। उस केवट शमशेर सिंह को फौरन हमारे सामने पेश करो। नहीं नहीं नहीं, हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, कान भी निकालेंगे, दूध भी नहीं पिएंगे। अरे छोटे मियां, आखिर इतना तो पता चले कि आप खफा क्यों हैं? खफा नहीं होंगे तो और क्या करेंगे? आखिर हमारा कसूर क्या था जो अब्बू ने हमें मारा? बेटा, आपके अब्बू ने जो भी किया आपके मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए किया है, आपकी भलाई के लिए किया है। क्या भलाई के लिए बच्चों को मारा जाता है, वो भी इसलिए कि बच्चा भी तेरा गाना गा रहा था? अब मैं तुम्हारी इस मासूमियत का क्या जवाब दूं बेटा? अब्बू खुद ही तो कहते हैं गाना गाया करो, गाना गाया करो, और जब हम गाते हैं तो अब्बू मारते हैं। अगर हमारी अम्मी जिंदा होती तो अब्बू कैसा करने देती? अल्लाह, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। बिन माँ के बच्चों की इस बात पर तो खुदा तक पसीज जाता है, सारी कायनात पसीज जाती है, फिर मियां जी पता नहीं क्यों, पता नहीं मियां जी का इस बात पर गुस्सा किस किस पर कहर बनकर नश्र होगा।
अपराध ही किया है तुमने, अपराध ही किया है। तुम्हारा नाम सुनते ही हम समझ गए थे शमशेर सिंह कि तुम ही वो केवट हो जिसने हमें घायल करने के लिए हमारी ओर बाण चलाया है। परंतु हमें ये बात उतनी बुरी नहीं लगी कि तुमने हमारी ओर बाण चलाया है, जितनी ये बात बुरी लगी कि तुमने वो बाण चलाने के लिए हमारे मासूम से बच्चे को कमान बनाया है। शमशेर सिंह, ये तीर, ये कमान, और मैंने आपके बेटे को कमान बनाया है? संगीत सम्राट, ये कौन से ऐसे आरोप हैं जो आप मुझ पर लगाते चले जा रहे हैं? मुझे तो ये पता ही नहीं कि मैंने कब, कहां और कैसे आपके बेटे को गुमराह किया है। जिस बच्चे को भविष्य में हम अपने पद पर आसीन देखने का सपना देख रहे हैं, उसे आरंभ से ही इस तरह के अनाप शनाप गीत सिखाना, गुमराह करना नहीं तो और क्या है? संगीत सम्राट, क्या लोक गीतों और भजनों का गाया जाना संगीत नहीं है? क्या लोक गीत कला का माध्यम नहीं है? हर बात को सीखने के लिए और उसके अभ्यास के लिए कुछ नियम होते हैं शमशेर सिंह। जैसे कोई निबंध लिखना हो तो पहले वर्णमाला सीखना आवश्यक होता है, उसी प्रकार संगीत के लिए पहले गले को स्वर से साधना पड़ता है। और तुम हो कि उस मासूम की आवाज पकने से पहले ही उसे ऐसे गीत सिखाकर उसके गले में विकृत स्वरों को उतार रहे हो। संगीत सम्राट, पहली बात तो यह है कि मैं आपके बेटे को जानता भी नहीं था, इसलिए मैंने उसे कोई गीत नहीं सिखाया। परंतु हाँ, मैं कभी कभी अपनी बस्ती में या अपने नाव में अपने मन के संतोष के लिए गुनगुना लिया करता हूँ। आपके बेटे ने कहीं मेरे गीत को सुन लिया और स्वयं ही सीख गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बालक का मन तो एक कोरा कागज होता है संगीत सम्राट, उसमें वही सब कुछ छप जाता है जो बालक देखता और सुनता है। लेकिन इस प्रकार का गायन आरंभ से ही सीखने से बच्चे के स्वरों की नींव भी कमजोर हो सकती है शमशेर सिंह, और आगे चलकर भगवान ना करे बच्चा बेसुरा भी हो सकता है। संगीत सम्राट, मैं आपके जितना गुणी और ज्ञानी तो हूं नहीं, इसलिए आप जो भी कहेंगे उसे मानना मेरा कर्तव्य है। परंतु एक बात मैं आपके कदापि नहीं मान सकता कि बिलास खान कभी बेसुरा हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि बिलास खान आपके सुपुत्र हैं। अंगूर की बेल अगर नीम के पेड़ पर भी परवान चढ़े तो उस पर लगने वाले फलों का रस कड़वा नहीं होता। फिर भी जहां तक प्रश्न है मियां बिलास खान को गीत सुनाने का, तो मुझ अनाड़ी को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि मेरे इस गीत से उस बालक की संगीत साधना में कोई त्रुटि आ सकती है। इसलिए आइंदा मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मियां बिलास खान मेरी आवाज ना सुन सके। हमें गलत मत समझना शमशेर सिंह, हमें तुम्हारे गाने पर कोई एतराज नहीं। हमने जो कुछ भी तुमसे कहा वो एक संगीत सम्राट की हैसियत से नहीं बल्कि एक बच्चे के पिता की हैसियत से या उसके गुरु की हैसियत से कहा है। मैं समझ रहा हूं संगीत सम्राट, आप मेरी ओर से बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज के बाद मैं छोटे मियां के सामने कभी नहीं गाऊंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। प्रणाम। शमशेर सिंह जी, आजकल बैजू बावरा कहां है? मंगलयति मंगलस्वर तानसेन सा।